Oh, so that one. हाँ देखिए कहाँ देखा इसने, मुझे यही देखेगा। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो यहाँ एक काफी भारी भरकम सांप होने की संभावना जताई जा रही है जिसने मेंढक को खा लिया है। तो चलिए चलकर देखते हैं आखिर ये खाया पिया सांप है कैसा। मेरे पास कॉल गई, उस टाइम मैं तहसील में था, किसी काम में व्यस्त था, तो मैं थोड़ा सा लेट आया हूँ। और तब तक इन लोगों ने यहाँ जो स्नेक देखा है उसको सुरक्षित तरीके से एक जगह बंद करके रखा है। तो चलिए आपको दिखाते हैं, उससे पहले मैं आपको उन व्यक्ति से मुलाकात कराता हूँ जिन्होंने स्नेक रेस्क्यू के लिए मुझे फोन किया है। तो आइए बताइए कौन है वो। ये यहाँ के लोग हैं, कॉलोनी के, इन्होंने देखा है, तो ये बताएंगे किस तरह से देखा है। अपना नाम बताओ अपना। हाँ भाई, रामेश्वर। रामेश्वर दयाल इनका नाम है। पापा का नाम सीताराम। सीताराम है। तो बताओ किस तरह से कहाँ देखा आपने साहब। भाई पेड़ पर पड़ा था, जो पेड़ है ना उसका। अच्छा, इसे लटक रहा था इधर और कुछ उधर लटक रहा था। यहाँ बच्चे भी थे, बच्चों ने रुके थे तारे, तो उधर को जाके वो, पर वो घूम कर गया इधर को। फिलहाल कहाँ है बताओ, फिलहाल में बढ़ गया, दिखाओ कहाँ इधर। कहने का मतलब यह है कि इन्होंने सांप देखा और बच्चे भी इनके साथ थे, तो उस प्लॉट में से निकल कर वो शायद यहाँ कहीं चलाया। तो देखिए इधर को बढ़ा यहाँ पर। तो ये बता रहे हैं कि इस नाली के अंदर वो घुस गया है और इन्होंने दोनों साइड से इसको रास्ते को बंद कर दिया कि वो कहीं जा ना सके। तो चलिए देखते हैं और आपको भी दिखाता है कि वीडियो बने रही है। तो रेस्क्यू शुरू कर दिया गया है जिसमें सावधानी का विशेष ख्याल रखा गया है। रेट स्नेक को पकड़ना बड़ा ही मुश्किल है। और दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं कि मैं जब 7 साल का था तब से मैं इन जहरीले सांपों के बीच रहा हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप भी इन सांपों के बीच रहना शुरू कर दें। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं कम उम्र से इन सांपों के बीच इसलिए रहा हूं क्योंकि ये मेरा पुश्तैनी काम है, जिसके कारण मैं हर सांप की मूवमेंट को जानकर उसका रेस्क्यू करता हूं। ये देखिएगा, देखिएगा दोस्तों, ये वो सांप है जो अपने आप को बचाने के लिए काफी स्पीड से दौड़ता है और ये काटता भी, देखे काट लिया इसने मुझे अभी। ये ज्यादातर आप पर हमला करता है, ये देखिएगा, ये काफी गंदा हो चुका है, इसमें कीचड़ है शायद अंदर। ये होता है, ये रेड स्नेक होता है और काफी ऊपर स्थिति में है, ये काटने की स्थिति में है ये। इसको चलिए पहले हम थोड़ा साफ कर देता है, आपको इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो पानी है क्या? नहीं ना, पानी चलाओ। तो देखेगा दोस्तों, ये है इंडियन रेड स्नेक, बिल्कुल नॉन वेनमस, इसमें किसी तरह का कोई जहर नहीं होता। देखिए कहाँ देखा इसने, मुझे यही देखेगा। देखिए कहाँ देखा इसने, मुझे यही देखेगा। ये देखा कैसे इसने मुझे काट लिया है और इसमें कितनी तीव्र गति से इसने काटा है और इसके काफी पन्ने दांत होते हैं। ये देखेगा ब्लड निकल गया है, ये देखिए। तो केवल ये मैं आपको इसलिए दिखाने के लिए कह रहा हूँ, इसके दांत भी अभी मेरे इसमें ही अंदर ही, ये देखिएगा दांत है इसमें, दांत छोड़ दिए इसने। तो इसके काटने से कुछ नहीं होता। मुंह में से क्या हो रहा? ये घोड़ा पचार सांप इंडियन एसेज बोलते हैं। मुंह में से क्या निकल रहा है? और इससे आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, देख लीजिएगा, पहचान कर लीजिएगा आप इसकी। इसकी जीभ है। तो चलिए देरी ना करते हैं, इसको हम रेस्क्यू करते हैं और रेस्क्यू करके रिलीज करने के लिए इसको पैक करते हैं। काट लिया आज मीडिया बंधु। आज मीडिया बंधु को भी आज हमने ये दिखा दिया, बिजली काफी चली, ये सांपों कैसे रेस्क्यू करते हैं, देखिएगा कितने दांत इसने मेरे इसमें गड़ा दिए।
और दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ मेरा कुछ नहीं होगा, क्योंकि ज्यादातर मौत भारत में इस सांप के काटने से इसके भय से होती है, इसके जहर से नहीं, तो क्योंकि इसमें जहर नहीं होता। कहना ध्यान नहीं रहा, तोताराम जी जो वन विभाग से हैं ये भी हमारे साथ हैं। तोताराम जी इधर आइए, ये तोताराम जी है, ये तोताराम जी है, देखिए पकड़िए भाई इनको, ये तोताराम जी है वन विभाग से, इनको हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं और ये किसी विवान जंगल में इसको छोड़ देंगे, और ये मीडिया बंधु हैं हमारे, हमारे खतरे के दैनिक जागरण से हैं ये, इनकी काफ़ी इच्छा थी कि हम स्नेक को कैसे हैंडल करते हैं, वो आज इनकी इच्छा पूरी होगी। तो दोस्तों अगर आपको ये लगता है कि वास्तव में आपको और सांप को बचा रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और जो नए बनते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिएगा दोस्तों आज मुझे सांप ने बाइट कर लिया है, हालांकि रेटी स्नेक सांप है, वो वेनम नहीं था, फिर भी फर्स्ट एड लेने के लिए मैं हॉस्पिटल में आया हूँ, और यहाँ के कर्मचारी लोग अधिकारी लोग काफी एक्टिव हैं, मुझे आते ही तुरंत इन्होंने हैंडल किया, और मैं केवल इंजेक्शन इसलिए लगवा रहा हूँ कि मेरी जो मम्मी है वो बड़ी परेशान है, क्योंकि मुझे मालूम है उसमें जहर नहीं था, मम्मी घबराई हुई, तो मैं यहाँ पर यहाँ आया हूँ, तो इन लोगों ने काफी तुरंत मुझे वो किया, और अभी उसकी तैयारी कर रहे हैं, एक टीटनेस का इंजेक्शन मैं लगवा लूंगा, और काफी खुश हुआ, और इससे मुझे ये भी पता चला कि मेरे यहाँ नजदीक हॉस्पिटल है तो सुविधा है या नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर अच्छी सुविधा है, आपको कोई भी सांप अगर बाइट कर ले तो आप तुरंत मुझे कॉल करें, या फिर आप सीधे यहाँ जाए तो आपका इलाज लगभग संभव यहाँ पर है, बहुत अच्छे लोग हैं, कर्मचारी हैं, तुरंत एक्शन लेते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब वहाँ बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अरे आप कान उतरा।